नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि समाचार के साथ। खबर देहरादून से है, जहां राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां SCERT के नव निर्मित भवन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकार्पण किया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य शैक्षणिक उत्कृष्ट पुरस्कार भी बांटे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी विद्यालयों में CSR के सहयोग से स्थापित 452 स्मार्ट क्लासरूम का भी शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा केदारनाथ के दर्शन करने के साथ ही केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। वहीं बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान लागू किया गया है, जिसके चलते निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, साथ ही उसकी मॉनिटरिंग भी तेजी से हो रही है। केदारनाथ धाम के लिए और श्री बद्रीनाथ धाम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इंटरेस्टेड हैं। वो लगातार उनके कामों की मॉनिटरिंग भी करते हैं। दोनों धामों में उन्होंने मास्टर प्लान लागू भी किया है और उसमें बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी इससे पहले जब वहां बर्फ से ढका हुआ था, उस समय भी उस पर जितना संभव हो सकता था उतना काम लगातार होता रहा। और किसी भी काम को करने में वक्त लगता है, समय लगता है, और विकास कार्यों को जो उसका एक तरीका है काम करने का, जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर जो काम होता है, उस हिसाब से वहां काम हो रहा है और बहुत प्रगति से काम हो रहा है। मैं समझता हूं कि केदारनाथ धाम में, बद्रीनाथ धाम में जिस दिन मास्टर प्लान का काम पूरा होगा, तो दोनों धामों का जो दृश्य होगा वो विश्व स्तरीय होगा। खबर दिल्ली से है, जहां सांसद अनिल बलूनी एक बार फिर पहाड़ को बड़ी सौगात दे रहे हैं। दरअसल गढ़वाल में पासपोर्ट ऑफिस खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर से सांसद अनिल बलूनी ने मुलाकात की, जहां उन्होंने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के चमोली और कोटद्वार में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की है। तो सांसद अनिल बलूनी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की और गढ़वाल क्षेत्र में पासपोर्ट ऑफिस खोलने की मांग की है। खबर हरिद्वार से है, जहां दिल्ली के बुराड़ी में केदारनाथ मंदिर को लेकर कांग्रेस ने केदारनाथ बचाओ पद यात्रा की शुरुआत हरिद्वार के हर की पैड़ी से की। गंगा पूजा के बाद इस पदयात्रा का शुभारंभ किया गया। हरिद्वार से शुरू हुई ये यात्रा गढ़वाल के अलग अलग भागों से होते हुए 4 से 5 अगस्त के बीच केदारनाथ में खत्म होगी। इस दौरान जगह जगह जनसभाओं का भी आयोजन किया जाएगा। पदयात्रा के शुरुआत में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। बाबा केदारनाथ धाम तो हमारी धार्मिक आस्था, विश्वास और आध्यात्मिक चिंता का केंद्र है। उसके साथ किया है और जो शैव परंपरा है पांच की, उसमें से एक भी केदारनाथ धाम की है। और इन्होंने जिस तरह से भाजपा ने अहंकार में डूबकर दिल्ली में केदारनाथ धाम के नाम पर मंदिर का निर्माण करने की आधारशिला रखी, उसे वो छंद भी नहीं है, वो पाप किया है, अपराध किया है। इसी को लेकर आज हम हर की पैड़ी से लेकर केदारनाथ, बाबा केदारनाथ धाम के श्री चरणों पर कई यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। और हम इस प्रदेश की, देश की जनता को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अहंकार में ग्रस्त होकर इस तरह के जो धर्म की बात करती है, जो सामाजिक समरसता की बात करती है, उनकी कथनी और कथनी में कितना फर्क है, इसको बताना चाहते हैं। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी ने भी इस बात को कहा, तो आनंद फानंद में मुख्यमंत्री ने कैबिनेट बुला के फैसला लिया। लेकिन मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या फैसला दूसरी स्टेट्स मानेंगी?
और मुख्यमंत्री ने जिस ट्रस्ट के यहाँ खुद उद्घाटन 10 तारीख को किया और जिस तरीके के बयान दे, आज उसके उलट बयान दे रहे हैं। पहले वो ये बताएं कि 10 तारीख को सच बोल रहे थे कि 19 तारीख को सच बोले। तीसरा QR कोड, कल मैंने आपके कई साथियों के बीच में जब प्रेस कर रहा था, मैंने QR कोड जारी किया, दिखाया कि ये QR कोड है जो केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से है और उसमें पैसा डाल रहा। कल अमरजीत सिंह जी और हमारे एक दूसरे साथी हैं उन्होंने चमोली जी जो हैं राजेश चमोली जी, उन्होंने अपने अपने मोबाइल से इसमें पैसा डाला और पैसा गया दिल्ली गया। आम आदमी ये सोचता है केदारनाथ धाम ट्रस्ट जो है वो बाबा केदार को हम पैसा चढ़ा रहे, पैसा जा रहा है दिल्ली के सेठों की जेब में। तो हमने इसका विरोध किया था और मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहते हैं, आप कैबिनेट में डिसीजन ला गए 18 तारीख को और कल 23 तारीख को मैंने इसको करके दिखाया सारी प्रेस और मीडिया के सामने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? और अभी तक आपने धाम हटा दिया, कहने QR कोड से धाम नाम कौन हटाएगा? पैसा अनुयायी जो नहीं जा सकता है भाई, कई लोग ऐसे हैं और पैसा है वो सोचते हैं भगवान केदार को हम अपने बैंक से ही चढ़ावा चढ़ा दें और वो डाल रहे हैं, पैसा दिल्ली जा रहा है, बाबा केदार के यहाँ नहीं जा रहा। इस बात का उत्तर भारतीय जनता पार्टी दो, पश्चाताप कर। उत्तराखंड में एक तरफ केदारनाथ धाम के नाम पर बन रहा विवाद अभी सुलझा भी नहीं है, तो दूसरी तरफ होने की बात उठने लगी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से लगातार धर्म के नाम पर जो बातचीत यहाँ पर कही जाती है, जिस प्रकार से धामों को लेकर सनातन धर्म को लेकर अपनी बातचीत जनता के बीच अच्छे काम दिया जाता है, उस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि कांग्रेस की अब केदारनाथ पर प्रतिष्ठा बचाओ यात्रा इस समय चल रही है। दूसरी तरफ धामी सरकार की तरफ से कैबिनेट में हिंदू जो कल्चर हिंदू जो स्टडी है उसको पढ़ाने का निर्णय यहाँ पर लिया जाता है, उसको लेकर सियासत शुरू हो गई है कि आखिर सिर्फ हिंदुओं के नाम पर सीट क्यों, अगर सभी धर्मों को आगे मानने का काम है तो इनको लेकर भी पढ़ाया जाना चाहिए कि उनके संस्कार किस तरीके से होते हैं, उनकी संस्कृति क्या कुछ कहती है। लेकिन जिस तरीके से निर्णय यहाँ पर सरकार सब लिया गया उसको लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किया और ये कहा जा सकता है कि अब उत्तराखंड के भीतर भी हिंदुओं को लेकर जो राजनीति है वो काफी तेज होने लगी है और अब उस पर सवाल पूछे जा रहे हैं कि हिंदू चुनावी पार्टी कौन है, क्योंकि जनता भी जानना चाहती है कि सिर्फ धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका असल उद्देश्य क्या है, क्योंकि विकास होना जरूरी है, जनता विकास की मांग यहाँ पर करती है। वही कांग्रेस की पदयात्रा को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता विकास चौहान ने। जिस तरह से कांग्रेस अब हमलावर हुई है और अब पैदा यात्रा यहाँ कांग्रेस निकाल रही है, इस पर बात करेंगे हम प्रदेश अध्यक्ष करण महारा से। महारा जी, यात्रा निकाली जा रही है जी, मुद्दा कितना बड़ा है और किस तरह के? बहुत बड़ा मुद्दा है, पंच केदार की जगह छठा केदार बनने की कोशिश हो रही है, सत्युग के ज्योतिर्लिंग का व्यवसायीकरण करने की कोशिश हो रही है और मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करने जाते हैं। 10 तारीख को कुछ कहते हैं, 19 तारीख को अपने बयान पलट देते हैं और आज भी कल मैंने पूरे प्रेस के सामने QR कोड का प्रदर्शन किया था केदारनाथ धाम समिति ट्रस्ट के नाम से, कल भी पैसे डाले दिल्ली गए, तो लोग केदार बाबा को पैसे चढ़ा रहे जा रहे हैं, वो सेठों की जेब में दिल्ली जा रहे हैं। केदारनाथ बाबा के यहाँ सोने की चोरी होती है, एक साल से हम सब केदारनाथ में सोने की चोरी की जांच की मांग कर रहे हैं। अब शंकराचार्य जी ने भी कह दिया, BKTC के अध्यक्ष कहते सोना था ही नहीं, तो बताया कि 18-19 घोड़ों में क्या गया था और तब उन्होंने खंडन क्यों नहीं किया, अतिरिक्त सुरक्षा की मांग उन्होंने क्यों की थी। दूसरा, भगवान के दरबार में राजा और रंग बराबर होते हैं, केदारनाथ भगवान के गर्भगृह के कानून तोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया, BKTC के अध्यक्ष की हिम्मत नहीं हुई कि एक नोटिस तक दे सके और शंकराचार्य जी के को सीधे सीधे शंकराचार्य पर टिप्पणी कर रहे हैं और हमारी जो कृष्णा माई है उनकी गुफा का नाम दोबारा कृष्णा माई के नाम पर करने की हम मांग कर रहे हैं। महाराज, जिस तरह से प्रदेश में जो मोदी सरकार है उसने कैबिनेट में एक नियम भी पास किया, उसके बाद भी आप कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। देखिए, BJP की नियत ठीक नहीं है, कल मैंने पूरी प्रेस के सामने QR कोड को करके दिखाया, कल भी पैसा केदारनाथ धाम ट्रस्ट के नाम से दिया गया वो दिल्ली गया है, तो क्या जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो ट्रस्ट के ऊपर कार्रवाई करेंगे? तो क्या अब क्या मांग है कांग्रेस की? कांग्रेस की मांग है कि पंच केदार पंची रहे छठा ना हो, बद्री छह है छह ही छह पाँच है पाँच ही रहे छठा ना हो और जो धार्मिक स्थलों का व्यवसायीकरण हो उसको रोका जाना चाहिए। तो भाजपा से किस तरह की मांग है? भाजपा की सरकार है और लगातार हम सोने की चोरी की जांच की मांग करें, शंकराचार्य जी भी करें, वो मांग पूरी नहीं हो रही। कृष्णा माई जिसने वर्षों तक वहां तपस्या की उनकी गुफा का नाम मोदी गुफा रख दिया, उसका हरीश रावत जी कह रहे हैं कि भाजपा
माफी मांगे तो उस पर क्या? निश्चित ही माफी मांगनी चाहिए और प्रायश्चित भी करना चाहिए। तो ये तो करण मेहरा जी जो बता रहे थे कि किस तरह से अब वो शांत होंगे, प्रदेश में भाजपा को पब्लिक में आकर माफी मांगनी होगी। विकास चौहान, इंडिया वाइज, हरिद्वार। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है, जिसको लेकर सभी विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर तक सभी होटल, ढाबों और दुकानों में खाद्य पदार्थों की जांच कर रहा है, ताकि शिव भक्तों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जा सके। वहीं 15 ढाबों और दुकानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए, जबकि 5 को नोटिस भी जारी किया गया है जिसके पास फूड लाइसेंस नहीं मिला। साथ ही जिन जगहों पर गंदगी पाई गई है उन्हें भी नोटिस जारी किया गया है। वहीं खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कांवड़ मेले तक लगातार चेकिंग अभियान जारी रहेगा, जिसमें भंडारे भी शामिल है। कांवड़ में काफी भीड़ हो जाती है, जिसमें मिलावट की आशंका ज्यादा रहती है। हमारे आयुक्त महोदय के निर्देश अनुसार, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश अनुसार ये है कि लगातार कांवड़ के दौरान जो भी अस्थाई अस्थाई जो भी स्टॉल लग रहे फूड के, उन पर विशेष निगरानी रखी जाए। तो हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर की हमने 3 टीम बना रखी है जो कंटिन्यू इंस्पेक्शन कर रही है। मंगलौर से लेकर नारसन बॉर्डर तक जितने भी ढाबे लगे उनको चेक किया है। 33 के आसपास हमने इंस्पेक्शन की है, जिसमें 15 सैंपल हमने जाँच के लिए भेजे हैं और 5 लोगों का लाइसेंस नहीं पाए गए थे, जो कि पूरा पहले से इस्टेब्लिश थे, तो उनको हमने नोटिस भी जारी कर दिया, जो कि हमें 1-2 दिन के अंदर जवाब देंगे। अदरवाइज उनके खिलाफ FSA एक्ट के अंदर हमने खारिज जारी नोटिस कर दिया कि इनकी कार्रवाई की जाए। कांवड़ यात्रा धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड में है। वहीं रूट प्लान के हिसाब से पुलिस ने कांवड़ में आने वाले बड़े वाहनों को नगला इमारती से लंढौरा होते हुए हरिद्वार भेजा जा रहा है, ताकि जाम की स्थिति ना बन पाए। आपको बता दें कि कांवड़ियों की संख्या में इजाफा हो रहा है और मंगलौर हरिद्वार बाईपास को भी पुलिस ने वन वे कर दिया है। एक तरफ कांवड़ियों का कब्जा है और इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहा है। अगली खबर देहरादून से है, जहां बच्चों को लाने ले जाने वाले बस और ऑटो चालक अपने बस ऑटो में ओवरलोड कर बच्चों को ले जाते हैं, जिससे बड़ा हादसा होने का अंदेशा बना रहता है, जिसके चलते अब परिवहन विभाग ऐसे ऑटो चालकों और बस चालकों पर शिकंजा कसने जा रहा है। परिवहन अधिकारी शैलेश तिवारी ने बताया कि हमारी ओर से 2 दिन के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया है, जो कि स्कूल बस और ऑटो के खिलाफ है, जिसमें वो सभी के पेपर की जांच करने के साथ साथ उनके मानक भी चेक कर रहे हैं। बेसिकली क्या है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा पेरेंट्स हों चाहे हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान में रखते हुए अभी देहरादून शहर में आज और कल, जो कल आने वाला है, इन 2 दिनों के लिए हमने एक अभियान चलाया है। इसमें स्कूल के बच्चों को ढोने वाले स्कूल वैन हों या बसेस हों या अन्य वाहन हों जिसमें स्कूल के बच्चों को ढोया जाता है, इनके बारे में हम लोग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंट तो कम नहीं है, कहीं किसी गाड़ी फिटनेस तो समाप्त नहीं है, कहीं गाड़ी में ओवरलोडिंग तो नहीं हो रही है। और इस बार हम जो चेकिंग कर रहे हैं उसमें 2-3 चीज़ों पर विशेष फोकस कर रहे हैं। सबसे पहला है कि गाड़ी में जाली या रॉड लगा हुआ है कि नहीं। दूसरी बात है, एक दो घटनाएं पहले हो चुकी हैं जिसमें स्कूल के वाहन में आग लगने की बात भी आई थी, तो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में भी चेक कर रहे हैं, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, फर्स्ट एड बॉक्स हो। और सबसे बड़ी बात है, जितना स्कूल के बच्चों को ढोने का मानक है, ओवरलोडिंग नहीं करना है, उतने ही बच्चों को ढोना है। रुड़की आदर्श नगर सोनाली नदी पर बनाए गए रपटा आजकल रुड़की में चर्चा का विषय बना हुआ है। पूर्व मेयर गौरव गोयल द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौजूदा रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा पर जान से मारने की धमकी के साथ ही सोनाली नदी के रपटे में 53 लाख भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया था। गौरव गोयल के आरोपी को शुरू से खारिज किया गया और कहा गया कि आदर्श नगर रपटे में 53 नहीं बल्कि 13 लाख से अधिक नहीं खर्च हुए। मेरे पास PWD की रिपोर्ट है, अगर गोयल 53 लाख को साबित कर दे तो मैं विधायकी से इस्तीफा दे दूंगा। तो पब्लिक को भ्रम फैलाने की आदत है और
अपने को हाईलाइट करने के लिए सब किया जा रहा है, जो कि पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट है और जो पीडब्ल्यूडी ने काम किया है, जहाँ वहाँ पे सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, जेई हैं, सभी द्वारा जो रिपोर्ट दी गई है उसको मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। ये इसकी अनुमानित लागत जो थी 55 लाख रुपये थी और जो 36% बिलो टेंडर गया, 36% बिलो जाने के बाद इसकी लागत 36 लाख रुपये हुई है और 36 लाख रुपये से केवल 13 लाख रुपये उसमें लगे हैं अभी, बाकी पैसा सड़क का नालों का भी उसमें निर्माण कार्य होने, बारिश की वजह से काम रोक दिया गया है और 90 लाख का कोई भुगतान नहीं हुआ, 90 लाख का कोई टेंडर नहीं हुआ। अगर गौरव गोयल जी ने RTA मांगी तो मुझे RTA दिखाएं कि इस तरफ का भुगतान कितना हुआ है। शहर का सबसे बड़ा भूमाफिया भ्रष्टाचारी विधायक, जिसके खिलाफ मैंने रपटे का एक मुद्दा, शहर के अंदर 93 लाख रुपए का एक सप्ताह पहले रपटा दे दिया, मैंने जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रपटे पे खड़े होकर की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतना तिल मिला गया कि अपने चमचे द्वारा, अपने साथ जुड़े हुए ठेकेदारों द्वारा, अपनी तनख्वाह पर रखे हुए नौकरों द्वारा और दो चार जो उसके चमचे हैं उनके द्वारा फेसबुक पे मेरे खिलाफ एक अभियान उसने चलाया। मैंने भी उसी क्रम में उसके द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के दो चार बिंदु अपने फेसबुक पे पोस्ट किए और मैं बताना चाहता हूं कि वो पोस्ट अब लगातार इस भ्रष्टाचारी विधायक के कार्य उजागर चलते रहेंगे, वो रुकने वाले नहीं है। खबर पौड़ी से है, जहां एक राज्य एक चुनाव की मांग को लेकर ग्राम प्रधानों ने खिरसू में आयोजित BGC बैठक का बहिष्कार किया है। वहीं ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष ब्रजमोहन बहुगुणा ने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत की एक ही मांग है कि एक चुनाव एक राज्य हो, जिसको लेकर वो लंबे समय से मांग कर रहे हैं। वहीं खिरसू में आयोजित BGC बैठक का बहिष्कार कर सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का काम किया गया है, ताकि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जा सके। हमारे यहाँ पर एक वो BDC बैठक थी, लेकिन हमारा त्रिस्तरीय पंचायत का एक सूत्रीय मांग चल रही है, एक चुनाव एक राज्य, उसी के संदर्भ में आज हम लोगों ने BDC बैठक का बहिष्कार किया है और प्रदेश संगठन को भी अपना एक मैसेज दिया है कि हम लोग आपके साथ हैं, इसलिए हमने इस BDC का BDC रखी थी, क्योंकि हमारी जो BDC थी वो 11 तारीख को होनी थी, तो जिस कारणवश नहीं हो पाई है वो, तो मैंने ये आज की बैठक रखी थी कि जिलाधिकारी महोदय से अनुमति ली थी, तो ये हमारी BDC आज जो BDC रखी गई थी उसमें ये था कि हम अपनी BDC ब्लॉक में रखेंगे, जो हमारा आज का ये हमारे प्रधान संगठन जी अध्यक्ष है उनसे मुझे कोई जानकारी नहीं मिली या ना मुझे लेटर मिला, तो मैं पहले ही इस BDC को निरस्त करती। अब मैंने फिर ये सोचा कि ये प्रदेश में है तो हम प्रदेश में पूरा समर्थन करेंगे, इसलिए ये BDC को निरस्त करना पड़ा, जिस कारण कि मुझे पहले ही जानकारी नहीं, अगर जानकारी होती तो पहले ही मुझे सूचना देनी चाहिए थी। ये हमारे प्रधान संगठन जी अध्यक्ष जी की कमी है कि उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी और हमने BDC रख दी। जब आज ये मुद्दा तब उठा कि जब मैंने जिला अधिकारी महोदय जी को आज BDC में बुला रखा था, वो किसी कारणवश नहीं आ पाए हैं, तो जिससे कि हमारे प्रधान संगठन ने सभी ने यहाँ पे हंगामा कर दिया कि BDC को निरस्त किया जाए। खबर हल्द्वानी से है, जहां वरिष्ठ BJP नेता और शुभ मंगलम सोशल एंड वेलफेयर सोसाइटी के संयोजक कौस्तुभानंद जोशी द्वारा सामाजिक सौहार्द और समरसता के लिए आम खास जन मिलन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मीडिया से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक उन्होंने बताया कि 25 जुलाई को हल्द्वानी के मधुबन बैंकेट हॉल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ इस जन मिलन कार्यक्रम का शुभारंभ होगा, जिसमें विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जन मिलन आयोजित तो होगा, साथ ही वृक्षारोपण भी किया जाएगा। शुभम मंगलम चैरिटेबल के माध्यम से हम लोग हरेली को, अपनी लोक संस्कृति को बढ़ाने के लिए एक प्रयास कर रहे हैं कि लोग जुड़ें, समरसता का भाव रहे, समभाव का भाव रहे, और शहर में रहने वाले विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग, अलग अलग क्षेत्र के वर्ग के लोगों को हम मिला के हरेली के पर्व में बुला रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ घंटों का एक रंगारंग कार्यक्रम भी करना चाह रहे हैं और उद्देश्य है कि इस शहर की अन्य गतिविधियों और जो लोग क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं उनका भी एक दूसरे के संग परिचय हो, और
अंततः एक मीठे आमों के स्वाद के साथ आम खास का एक कार्यक्रम रखा गया है और लोग आमों का भी स्वाद लेंगे इस कार्यक्रम में और संस्कृति की कुछ झड़ियां भी देखेंगे, ऐसा ही कार्यक्रम है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बिशनपुर और नेताला और सैज के पास अवरुद्ध हो गया है। वहीं अमनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग डबरकोट में बाधित है। सड़क साफ करने का काम जारी है। उत्तराखंड पुलिस ने लोगों से धैर्य रखने और जल्दबाजी ना करने की अपील की है। प्रदेश में भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड हो रही है, जिससे गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। अगली खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून की जिलाधिकारी सोनिका सिंह ने मॉनसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक ली। बैठक में डीएम ने तहसील क्षेत्र में हुई बारिश के चलते स्थिति की जानकारी ली। इसी के बाद डीएम ने बताया कि सभी जगह स्थिति अभी फिलहाल सामान्य है और ऋषिकेश के शहरी हिस्सों में भी जलभराव की अभी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। एसडीएम और तहसीलदार डीसी के द्वारा मेरे द्वारा समीक्षा की गई थी और सभी जगह जितने भी हमारे सब डिविजन हैं सभी जगह पे अभी स्थिति सामान्य है। जो शहरी एरिया है वहाँ भी ऋषिकेश एरिया में तो ऐसा वाटर लॉगिंग का कोई इशू नहीं है। जो देहरादून का एरिया है उसमें कुछ जगह पे जहाँ भी हमारे पास नगर निगम के कंट्रोल रूम में या आपदा के कंट्रोल रूम में शिकायतें जल भराव की शिकायतें आ रही है वहाँ पे हम अपनी टीम भेज रहे हैं। इसके अलावा मसूरी में जहाँ जहाँ जो रोड ऑब्स्ट्रक्ट हुई है उसमें भी अब मूवमेंट है, अब कहीं भी ऐसे हमारी रोड बंद नहीं है। तो ये समीक्षा के दौरान ये सारी चीजें निकल गई और सबको ही अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा गया। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां जिलाधिकारी रीना जोशी ने बीते दिनों तहसील धारचुला बांगापानी के अंतर्गत देवी बगड़ और भैरव बगड़ मधकोट में मंदाकिनी नदी से सड़क मार्ग क्षतिग्रस्त और प्रभावित ग्रामीणों के विस्थापन के कार्यों का संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। स्थानीय ग्रामीणों की समस्या सुनी और अधिकारियों को ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी आई हैं और उनके साथ पूरा प्रशासन का टीम है और बहुत अच्छा मैसेज पब्लिक के बीच है और मुझे आशा ही नहीं उम्मीद है जिस गति से हमारे जिला प्रशासन ने यहाँ पर काम किया है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई है, बहुत जल्दी जो ये तटबंध का निर्माण है ये भी हो जाएगा। जो सड़कें बंद हुई हैं उसके लिए जहाँ पर धन की आवश्यकता हो रही है जिलाधिकारी मैम से भी ने भी कहा और हम सब लोग मिलके, क्योंकि आपदा का समय है, ये कोई राजनीति करने का समय नहीं है। मेरी जनता से भी अपील है, उनसे जो है मेरी उनसे निवेदन है कि हम गलत मैसेज कन्वे न करें और हम सबको मिलके इसमें कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं देखना। इस आपदा में हम सबको अपने क्षेत्र की जनता की रक्षा करनी है और मेरा विशेषकर क्षेत्र की जनता से निवेदन है कि बरसात के समय में बिना उजह घर से न निकलें और अपने अगल बगल अगर कहीं पर कोई परेशानी हो रही है तो उसके तमाम जितने हमारे हेल्पलाइन है उस पर दें। मैं खुद यहाँ पर उपलब्ध हूँ, मुझे बताएं और हम सब मिलकर शासन प्रशासन सरकार मिलकर जो है इस आपदा की घड़ी में हम एकजुट होंगे और इसे झारचुला विधानसभा के लोगों को राहत देने का काम करेंगे। सारे क्षेत्र में ज्यादा तो मेरा नाम से काफी नाराज है, तो बच्चों इतना नुकसान हुआ है, उसका व्यापार वो आ रहा है आई थिंक जो भी बगड़ और भैरव बगड़ हमारे सारे गांव है इसमें मंदाकिनी रिवर से काफी नुकसान पहुंचा है, सड़क भी कटी है और जनवंत्रों का विस्थापन भी किया जायजा लिया है। यहाँ पे सिंचाई इरीगेशन डिपार्टमेंट से भी मौजूद है, से भी जानकारी यहाँ पर मौजूद है, उनको निर्देश दिया जा चुका है ताकि कोई बड़े नुकसान ना हो और जो अभी नुकसान हो चुका है उसमें जो भी रिलीफ है राहत सहायता है उसके लिए भी तहसील प्रशासन को निर्देशित किया जा चुका है, उनको तत्काल राहत सहायता उपलब्ध कराई जाए। और कुछ सड़कों यहाँ की जनता से बात हुई है तो उन्होंने बताया है कि यहाँ से कुछ सड़कें काफी दिनों से बंद है तो इसके लिए जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है उनको निर्देश दिया जा चुका है कि उनको तत्काल खोले ताकि लोगों को आवागमन। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।